कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ दो लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण शुरुआत। ऊपर दिए गए नक्शों से हमें 20वीं सदी के पहले के घटनाक्रम का कुछ भी पता नहीं चलता। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम दो सदी पहले शुरू हुई। आपने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस जनपद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार बार इसे बहाल किया गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी पहले हो रही थी, लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफ़ी कम थी। 18वीं 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस संविधान में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था। तो अमेरिका में संविधान कब मंजूर किया गया, ये प्रश्न है। और अमेरिका में जो उपनिवेश थे वो ब्रिटिश अधिकार से कब स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप के जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे, वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। अक्सर महिलाओं को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यहाँ दिए गए बॉक्स में यह बताया गया कि दुनिया के किस देश ने कब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं 1900 तक न्यूजीलैंड ही अकेला एक ऐसा देश था जहाँ के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 20वीं सदी के शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया। तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष ही होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। देखिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का कालक्रम 1893 में न्यूजीलैंड में, 1917 रूस, 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 तुर्की, 1942 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 भारत। यानी भारत में 1950 में लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। 1951 अर्जेंटीना, 1952 यूनान, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 अमेरिका, 1978 स्पेन, 1994 दक्षिण अफ्रीका। इन देशों में इन तिथियों को इन वर्षों में मतदान का अधिकार मिला।
उपनिवेशवाद का अंत काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी की नहीं थी, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में एक था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली। भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की, तो भारत ने कब आज़ादी हासिल की ये प्रश्न है, और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। पश्चिमी अफ्रीका ने के देश घाना का उदाहरण उपनिवेश रहे देशों के सामान्य अनुभव को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था, तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। तो घाना का प्राचीन नाम क्या था? सन 1957 में आज़ाद हुआ, यानी घाना कब आज़ाद हुआ? यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी वाले पाने वाले देशों में एक था। इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने पर की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे बामे एनक्रूमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष थे, लेकिन वे नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्त पलट कर दिया। तो एनक्रूमा का तख्ता पलट किस सन में हुआ? घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह का रहा। जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी, वहाँ लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। हाल का दौर लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेजी से कदम उठाने की सिलसिला लातिनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद शुरू हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेज हुई। पोलैंड वाली कथा से हमने जाना कि सोवियत संघ का अपने पड़ोसी यूरोपीय पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। 1989-90 के दौर में पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत के नियंत्रण से बाहर हो गए। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? ये सभी स्वतंत्र देश के रूप में सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई। पूर्वी यूरोप पर से सोवियत संघ की समाप्ति, नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफ़ी बड़े बदलाव हुए। 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे, लेकिन ये बदलाव स्थायी नहीं थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक साधन कायम कर लिया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया। पिछले दशक के लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया, लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्ति की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को हटाकर सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। लेकिन 2008 में पाकिस्तान फिर से लोकतंत्र। तो पाकिस्तान कब लोकतांत्रिक देश बना और नेपाल राजशाही को ख़त्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा? इस अवधि में नित नए देशों में लोकतंत्र व्यवस्था कायम रहने उसकी चाह बढ़ने की प्रवृत्ति की प्रमुख रही। यह दौर अभी जारी है।
2016 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे 80 से ज़्यादा देश 1980 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं, लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग न तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और न ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। यह 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। तो बर्मा कब औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र की अपनाया? लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। 1990 में लगभग 30 वर्षों बाद पहली बार चुनाव कराए गए आंग सांग सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव परिणाम को मान्यता नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया या उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। बहुत छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए लोगों को पकड़कर जेल की सजा दी गई। यहाँ सरकार के खिलाफ साजन गुस्से बोलने या बयान जारी करने वाले किसी व्यक्ति को 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। म्यांमार की फौजी सरकार की जातियों से तंग आकर वहाँ के 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर शरण बनाकर रह रहे हैं। लोग नज़रबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अंत में उनके नेतृत्व में एनएलडी ने 2015 के ऐतिहासिक चुनाव लड़े और एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया। तो सूची को कौन सा पुरस्कार मिला और म्यांमार कब लोकतांत्रिक देश बना,